शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब झारखंड के शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं चुकानी होगी। झारखंड में अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। उत्पाद मुख्यालय से आयुक्त उत्पाद अमित कुमार ने बुधवार को सभी सहायक आयुक्त उत्पाद व सभी अधीक्षक उत्पाद को जारी निर्देश में यह अनिवार्य कर दिया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, जिसमें MRP का भी डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया तो उक्त दुकानदार की खैर नहीं है। क्या क्या होगा डिस्प्ले बोर्ड पर? डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान का प्रकार, लाइसेंसधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, लाइसेंस संख्या, विक्रेता का नाम, उसके नीचे लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आदि लिखा जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड में सरकारी शब्द के स्थान पर अनुज्ञप्ति प्रदत्त शब्द का इस्तेमाल होगा। इस डिस्प्ले बोर्ड के साथ एक अन्य डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएं, जिसमें शराब के MRP दर की सूची रहेगी और वहां लिखा रहेगा कि MRP से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं करें। यह डिस्प्ले करना अनिवार्य है। शिकायत पर होगी कार्रवाई। अगर किसी व्यक्ति से किसी शराब दुकान पर किसी भी ब्रांड की शराब की खरीद पर निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली की जाती है तो वह इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सूचित करना होगा। जांच में अगर आरोप सही पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। लोगों की शिकायत रहती है कि शराब दुकानों पर अक्सर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेची जाती है। इसका विरोध करने पर विवाद की स्थिति पैदा होती है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।